हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स हियर। और आज अभी ये चार्जर ठीक होने के लिए आया है। ऐसा एक नहीं, एक दो तीन चार पांच है, और पहले भी चार पांच मैंने ठीक करके दिए। अभी इसमें जो फॉल्ट है वो अभी हम रिपेयर करके दिखाएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, जिसमें कटिंग वटिंग का कोई काम नहीं है, लाइव रहेगी और ओके रहेगी। लाइव वीडियो और रिकॉर्डिंग वीडियो अलग अलग होती है, और भी वीडियो देखते होंगे उसमें आपको लगता होगा कि बहुत से इधर उधर करके बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ लाइव वीडियो दिखाएंगे आपको कैसे रिपेयर करेंगे। तो इसमें फॉल्ट क्या है वो देखते हैं। फॉल्ट क्या है भैया जी, देखिए तो ये है ईवी का, ड्रोन पावर का है। और ये इसका जो एमपी 54.6 वोल्ट यानी 48 वोल्ट का है, और 6 एम्पियर आउटपुट 54.6 वोल्ट और एम्पियर 6 एम्पियर आउटपुट। तो इसे ठीक करेंगे, क्या दिया बैटरी बैट लगाओ, प्लस है वो प्लस प्लस माइनस बताओ। जो है 300 वोल्ट हमने एसी लगा चुके हैं, 300 वोल्ट ये कैपेसिटर पे आना चाहिए, तो ठीक है ना, 300 वोल्ट ठीक है। और मॉस्फेट ठीक है कि नहीं, तो इसका आउटपुट भी चेक कर ले, क्या पता ये निकल रहा हो। 64 वोल्ट निकल रहा है, फ्यूज में भी आ रहा है, मतलब इस तार पे वोल्टेज निकल रहा है। किया ये वोल्टेज निकल रहा है, देखो यहाँ पे देखिए नहीं निकल रहा है, और अंदर में वोल्टेज बन रहा है ना। ये देखिए 64 वोल्ट, मतलब ये जो निगेटिव वाली तार है ये सर्किट ऑन नहीं हुआ, सर्किट जब हम बैटरी जोड़ेंगे तब होगा। बैटरी जोड़ो, मैंने बैटरी इसमें लगा दिया, अब बैटरी मैंने इसमें लगा दिया, अब इसको ये फिर से चालू कर रहा हूँ। ये देखिए चालू किया, एसी की बत्ती जल गई, लेकिन यह कोई भी बत्ती अभी नहीं जल रही, अब जल गई, ये फुल चार्ज हो रहा है, फुल चार्ज हो रहा है। तो बैटरी तो फुल चार्ज होता रहता है, लोड लिया है, चलते हैं डायरेक्ट लगाओ। एक लगा दीजिए, वो अलग है, अच्छा एक लगा दीजिए ना। अब मैं डायरेक्ट लगाया हूँ क्योंकि मैंने ये सीरीज में सही दिखा रहा था, अब ये फुल चार्ज का है, लेकिन दोबारा ये चार्ज देगा। स्विच चार्जिंग ले रहा है ना। पंखा का पार्ट हो सकता है, पंखा नहीं चल रहा, पंखा का पार्ट है ना, चार्जिंग देखिए ले रहा है ना। 10 एम्पीयर में करीब करीब 6-7 एम्पीयर चला गया, पंखा नहीं चल रहा है। तो पंखा का वोल्टेज हमें चेक करना है, क्या करना है, पंखा चेक करना है, पंखा नहीं चल रहा है, बाकी वोल्टेज ओके है। तो इसके निगेटिव से पंखे वोल्टेज तो आज उल्टा लगा, पंखे पे वोल्टेज आ रही है लेकिन 9 वोल्ट आ रही है, और इधर भी 12 वोल्ट आ रही है, मतलब दोनों तरफ निगेटिव नहीं है, इसमें निगेटिव नहीं है। तो निगेटिव देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक सेकंड के लिए पहले डायरेक्ट करके देख ले कि पंखा ठीक है कि नहीं। अगर पंखा ठीक है तब आगे करेंगे, नहीं पंखा ठीक है तो फिर इतना टाइम पर आप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एक सेकंड के लिए पंखा देखो, ये देखो चलना शुरू हो रहा है ना, पंखा ठीक है, पंखे की एक टांग टूट गई है ना। तो ये पंखड़ी जो टूट गई है ना, इस कारण से अनबैलेंस होने के कारण इसमें लोड पड़ा, और लोड पड़ने के कारण इसके जो निगेटिव देने वाली पिन है वो खराब हो गई। तो ये हम अभी उसको ठीक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पंखे की पंखड़ी टूट जाने के बाद लोड पड़ा, और उसके बाद जो इसमें इसको चलाने के लिए जो पल्स देता था निगेटिव जो देता था ट्रांजिस्टर, शायद वो ख़राब है, क्योंकि उसको ऑन करते ही मैंने शॉर्ट करते ही चालू हो जा रहा है। तो उसे हम देखेंगे, एक बार करके दिखाएंगे, उसके बाद बात करेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो
तो पंखे की निगेटिव नहीं आ रहा है प्राजी। दोस्तों इसकी ट्रांजिस्टर खराब है और मैं इसको निकाल दिया हूँ, दो पिन, एक पिन और निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ये खराब होता कैसे है। ये वाला जो है ट्रांजिस्टर आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये ट्रांजिस्टर, तो ये ट्रांजिस्टर का जो बेस है ये देखो शॉर्टिंग है ना, शॉर्ट है, दिख रहा है, ये देखिए बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर, ये दोनों अलग अलग वैल्यू आ रहा है, शॉर्ट है। तो इसका नंबर क्या है, 2222 2222। जो ट्रांजिस्टर है मैं सही लगा रहा हूँ और ये जो पहले था ये खराब था, मीटर से आपको दोबारा चेक कर देता हूँ। ये बीच वाली पिन जो है हमारे हाथ में है, बीच वाली पिन, और इधर दोनों शॉर्टिंग है, ये डायरेक्ट है और ये 136 ओम से जो कि 600 आना चाहिए। ये जो है अपने पास जो अभी लगाऊंगा ये है इधर 600 ये देखो 692 मतलब 691 और इधर भी 691, तो इसका मतलब होता है कि ये ठीक है। अब इसे हम लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए मैं ऊपर से लगाता हूँ ताकि आप ये कहो कि लगाया हूँ। कहेंगे कि किधर क्या लगा दिए पता नहीं चल रहा है, ये लगाया हूँ अभी। और अब जो है चार्जर चालू करेंगे, मैंने लगा दिया, बैटरी जोड़ो भाई, एसी लगा चुका हूँ, एसी की देखिए बत्ती जल रही है, अब वो बैटरी जोड़ रहा है, जोड़ दिया, ये देखिए एम्पियर, देखिए बैटरी बंद करके एक बार चालू करना, बंद कर एक बार, ये देखो बंद किया, चालू करो, चालू किया, ठीक है, और ये एम्पियर भी उठेगा, उठ गया ना, हाँ देखिए 3.6 जो है एसी है और वो जो सुई वाली चल रही है वो 6 एम्पियर ले रहा है। इसको पकड़ो, पंखे की तार लगानी थी, असल में पंखे चलानी था ना, तो पंखे की तार है, पंखे की तार है ऐसे, ये नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार झटका लिया था है ना, एक बार झटका लिया था नहीं चला, दूसरा पंखा लगा रहा हूँ, एक पंखा चल रहा है ना, और ये पंखा नहीं चला, लेकिन इसको डायरेक्ट करने पे चल रहा था, मतलब इसका जो पंखड़ी है ना, इसका जो पंखड़ी है ये देखिए ये टूटी हुई है, ये वाली है ना, यहाँ पे ये टूटी हुई है, तो इस कारण से नहीं चला। अब ये चार्जर ओके है, वहाँ पे जो 3.5 ले रहा था वो 4 हो गया, और जो ये सुई वाला था ये तो इतनी ही ले रहा है, ठीक है, वोल्टेज कितना है 59 यानी 59.3, तो ये ओके हो गया। आपको रिपेयरिंग सीखना है इसी तरह से लाइव, यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को छुपाया हूँ, कौन सा ट्रांजिस्टर लगाया, कैसे लगाया गया, अगर ये ट्रांजिस्टर यूज नहीं होता इससे हैवी करना पड़ता, क्योंकि पंखे के ऊपर बार बार लोड पड़ रहा है तो ये ट्रांजिस्टर उड़ जा रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सभी यहाँ पे बात होती है, खुलेआम छुपाने वाला कोई नहीं है, लगा के दिखाइए कि देखो ये नहीं चल रहा तो ये चलेगा,
इस तरह से अगर सीखना है तो हमारे पास आइए, हमारे पास आइए, 100% सीखने की गारंटी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी भी आइटम के बारे में जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे हमारे यहाँ एलईडी टीवी, इन्वर्टर, वेल्डिंग मशीन, लिथियम बैटरी असेंबल करना, ये सब कुछ सिखाते हैं। और ये करोल बाग में, करोल बाग चलना है मेट्रो के पास, करोल बाग मेट्रो के पास इंस्टीट्यूट करे हैं। अभी सुभाष नगर में जो है चलता रहेगा, लेकिन हम करोल बाग में हमेशा आपको मिलेंगे। तो आइए हमारे पास सीखने के लिए। और मैग्नेट चार्जर मशीन लेना हो तो मुझे कॉल कीजिए, उसके कोई भी जैसे टेस्टर लेना हो तो वो भी खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। रिपेयर कर रहे हैं वो चार्जर कौन सा है, ये ढक्कन देखो क्या है, दिखाओ दिखाओ। 67 वोल्ट और 6 एम्पियर, 67 वोल्ट 6 एम्पियर। और जो 54 वोल्ट 6 एम्पियर का वो भी है, ढक्कन में किसी और को उठा लिया था उस समय, तो वो ये है, ये वाला चार्जर 64 का है ना, ये 64 का है। और जो पीछे जो वीडियो बनाए हमने वो 67 का है। ऐसा मत समझिएगा कि ढक्कन किसी और का है, वो किसी और का है, क्योंकि इकट्ठे यहाँ पे 6 चार्जर थे, 6 में ढक्कन मिक्स हो गया, इसलिए ये सब। तो अभी मैंने 4 कर चुके हैं, अब ये लास्ट रह गया। और ये इसमें तो मॉस्फेट उसमें खराब है, ये लास्ट रह गया, इसे देखते हैं। ये 54 वोल्ट का है, तो ये रखो बाबू रखो, तो ये इसमें फाल गया, लगा तार जोड़ो, ये देखिए बत्ती जल रही है ना, ये सभी नहीं जल रही, मतलब स्टार्टिंग का पार्ट होता है। अब चालू कर दिया उसने, ये देखिए लोड ले लिया, तो हमने लोड ले लिया, तो इसे हम डायरेक्ट में करेंगे, डायरेक्ट में कर दिया। अब वहाँ पे एम्पियर लेगा सुई वाला, ऐसे 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 सुई वाला देखो अभी आएगा, अब आया, ये पंखा भी चल गया और उधर एम्पियर भी चल गया, तो बिल्कुल सही है ये। ये कितने एम्पियर का था, 54 है, वो तो वोल्टेज था, एम्पियर कम ले रहा है, एम्पियर कम ले रहा है, तो क्यों कम ले रहा है। अब देखो यहाँ पे फॉल्ट आती है, एम्पियर यहाँ कम क्यों ले रहा है, वो 67 वोल्ट का था, उसमें 6 एम्पियर दिखा रहा था, ये 54 वोल्ट का है और ये भी 6 एम्पियर का, लेकिन यहाँ पे जिस बैटरी में हम चेक कर रहे हैं वो बैटरी 48 वोल्ट है। अब उसके लिए तो हाई है, कम है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा है, मतलब वोल्टेज चार्ज है, इसलिए एम्पियर कम ले रहा है, ये चार्जर सही है। तो मेरा कहने का मतलब है आप समझदार बनिए, रिपेयरिंग ज़्यादा कठिन नहीं है, बस उसके समझने के लिए आपको समझदार होना चाहिए समझाने वाला, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग तो सब समझाते हैं बढ़िया से, बाकी पता नहीं, तो आप आइए हमारे यहाँ समझने के लिए, पूरी तरह से समझ में आएगा आपको। नहीं होगा ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, क्यों नहीं होगा, अगर आपके पास कोई चार्जर फंसा हुआ है तो हमारे पास लेकर आइए, हम उसे रिपेयर करके दिखाएंगे, उसी पे क्लास कराएंगे। तो चलिए आइए, करोल बाग आना आपको वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।